हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर फ्रॉम 360 बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स बाय तन्वीर मलिक। इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, दैट इज ऑटोरिदमिसिटी ऑफ हार्ट। सो टुडेज टॉपिक इज ऑटोरिदमिसिटी ऑफ हार्ट। तो ऑटोरिदमिसिटी ऑफ हार्ट क्या होता है? हमें पता है कि जो मैमेलियन हार्ट होता है, इट इज मायोजेनिक इन नेचर। तो मायोजेनिक इन नेचर का मतलब क्या हो गया? मायोजेनिक इन नेचर का मतलब हो गया जो हमारा हार्ट होता है, जो मैमल्स का हार्ट होता है, ये अपनी रिदमिसिटी डेवलप करता है। इट डेवलप्स इट्स ओन रिदमिसिटी, या आप कह सकते हैं इट डेवलप्स इट्स ओन एक्शन पोटेंशियल, या आप कह सकते हैं कि ये खुद कंट्रैक्शन दिखाता है। ठीक है, सो मायोजेनिक का मतलब हो गया जो हमारा हार्ट होता है ये खुद अपनी ऑटोरिदमिसिटी दिखाता है, एक्शन पोटेंशियल दिखाता है, कंट्रैक्शन दिखाता है। ठीक है ना, और हमें पता है कि जो हमारा हार्ट होता है, मैमल्स का हार्ट होता है, दैट बीट 70 to 75 times per minute। एक मिनट में 70 से लेकर 75 times मैमल्स का हार्ट बीट करता है। और ह्यूमंस का हार्ट कितनी टाइम, एक मिनट में कितनी बार बीट करता है? हमें पता है कि 72 टाइम्स बीट करता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसी कौन सी चीज है हमारे हार्ट में जो इसको ऑटोरिदमिक बनाता है, जो इसमें ऑटोरिदमिसिटी बनाता है। ठीक है ना, तो हमारे हार्ट में एक्चुअली कुछ नोडल फाइबर्स होते हैं, कुछ स्पेशल मसल नोडल फाइबर्स होते हैं, तो इनकी वजह से हार्ट जो है खुद अपनी कंट्रैक्शन डेवलप करता है, एक्शन पोटेंशियल डेवलप करता है। तो एक्चुअली 4 types ऑफ नोडल फाइबर्स होते हैं। एक होता है SA नोड, दूसरा होता है AV नोड, तीसरा होता है राइट एंड लेफ्ट बंडल्स, और चौथा होता है परकंजी फाइबर्स। सो दीज आर द 4 types ऑफ द दीज नोडल फाइबर्स विच आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट साइट्स इन अवर हार्ट, एंड दे काज द रिदमिसिटी, दे काज द कंट्रैक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द हार्ट। पहले मैं यहां पर डायग्राम बनाऊंगा ताकि हमें पता चले क्या ये असल में ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, ये चारों फाइबर्स। ठीक है, हाँ, चलिए मान लीजिए दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, हाँ, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं SA नोड की। SA नोड इज आल्सो कॉल्ड साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, साइनो एट्रियल नोड। और ये साइनो एट्रियल नोड हमारे हार्ट में कहां पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है इन द राइट एट्रियम, जो राइट एट्रियम का राइट कॉर्नर होता है, ये है राइट कॉर्नर। ठीक है ना, और राइट कॉर्नर पे होता है राइट एट्रियम के, और कहां पे होता है? जहां पे ओपन होती है एक वेन जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। तो याद रखिएगा, सुपीरियर वेना कावा जहां पे ओपन होती है उसी के नीचे प्रेजेंट होता है साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, और कहां पे प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर में, बिलो द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, अब ये साइनो एट्रियल नोड जो है इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कीथ एंड फ्लैक। ये किसने डिस्कवर किया? कीथ और फ्लैक ने इसको डिस्कवर किया। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये SA नोड जो होता है एक्चुअली हम बोलते हैं कि हार्ट कंट्रैक्ट करता है, दरअसल इसमें जो एक कंट्रैक्शन डेवलप करता है, जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप करता है, वो यही SA नोड होता है। ठीक है ना, तो इट इज दिस SA नोड विच कॉजेज द कंट्रैक्शन और विच कॉजेज द एक्शन पोटेंशियल इन द हार्ट। ठीक है, तो अब चूंकि हार्ट हम बोलते हैं कि हार्ट बीट करता है, दरअसल इसमें SA नोड ही ये बीटिंग करवाता है, ये कंट्रैक्शंस करवाता है, इसी वजह से हम बोलते हैं SA नोड को, हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, इट्स कॉल्ड हार्ट इन हार्ट। तो क्या बोलते हैं इसको? हार्ट इन हार्ट, यानी कि हार्ट में ही ये छोटा मोटा हार्ट होता है, हार्ट नहीं होता है लेकिन छोटा मोटा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा नोडल फाइबर होता है जो इसमें पूरी ये बीटिंग डेवलप करता है, कंट्रैक्शन डेवलप करता है, ऑटोरिदमिसिटी डेवलप करता है। ठीक है, हाँ, अब चूंकि
ये पूरी इस हार्ट में एक पेस जनरेट करता है, ठीक है ना, कंट्रैक्शंस का एक पेस जनरेट करता है, तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। तो आप याद रखिए, कभी कभार पूछा जाता है कि हार्ट इन हार्ट किसको बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप याद रखेंगे, इट इज दिस SA नोड विच इज प्रेजेंट इन द राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम बिलो द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कैवा। इट इज दिस SA नोड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रैक्शन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, एंड दिस इज द रीजन वाई इट्स कॉल्ड हार्ट इन हार्ट एंड पेस मेकर ऑफ हार्ट, ठीक है। हाँ, अब चलिए दूसरा क्या है, दूसरा है AV नोड, भी आप इसको बोल सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं एट्रियो वेंट्रिक्युलर नोड, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिक्युलर नोड भी बोल सकते हैं, AV नोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये कहां पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है इन द इंटर एट्रियल सेप्टम, कहां पे प्रेजेंट होता है, इन द इंटर एट्रियल सेप्टम। याद रखिएगा, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करता है ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज इंटर एट्रियल सेप्टम, यानी कि एट्रियास को सेपरेट करने वाला सेप्टम, ठीक है ना। तो इसी में प्रेजेंट होता है क्या, इसी में प्रेजेंट होता है AV नोड, ठीक है ना। लेकिन ये AV नोड कहां पे होता है, बिलो द, सॉरी यहां पर मैं लिखूंगा बिलो द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। हमें पता है कि राइट एट्रियम में तीन वेन्स डिऑक्सीनेटेड ब्लड लाती हैं, एक तो सुपीरियर वेना कैवा, दूसरी इंफीरियर वेना कैवा, तीसरी कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस ब्रिंग्स डिऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ द हार्ट इनटू द राइट एट्रियम। तो जहां पर अब ये राइट एट्रियम में जो कोरोनरी साइनस जहां से ओपन होती है, ऐसे ओपन होती है यहां पे, तो इसी के नीचे प्रेजेंट होता है AV नोड, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिक्युलर नोड। And this atrioventricular node was discovered by Tavara, a scientist called Tavara discovered AV node, ठीक है। अब ये AV node जो होता है, ये AV node SA node के साथ connected होता है by 3 internodal fibers, by 3 internodal fibers, ठीक है। तो क्योंकि यहां से जब कंट्रैक्शंस डेवलप होती है, एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, तो उसको आगे भी ले जाना है, तो आगे कहां से ले जाएंगे, AV नोड तक, इसी इंटरनोडल फाइबर के जरिए वो AV नोड में वो एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, वो आगे चलता है, ठीक है। और ये AV नोड जो होता है, इट काजेज AV डिले ऑफ 0.1 सेकेंड्स। AV नोड जो होता है, ये AV डिले क्रिएट करता है, AV डिले क्रिएट करता है, कितना डिले करता है, 0.1 सेकंड्स। या फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, अगर SA नोड जो है, अगर ये एक सेकंड में एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप करता है, या एक कंट्रैक्शन या एक बीट डेवलप करता है, तो जो ये वाला AV नोड है, AV नोड उसी कंट्रैक्शन को आगे लेके जाएगा, बट इन 1.1 सेकंड्स, 1.1 सेकेंड्स, क्योंकि ये AV नोड जो होता है, इसको यहां तक पहुंचने में कुछ टाइम लगता है, तो फिर इसको आगे ले जाने में ये थोड़ा सा डिले करता है, कितना, 0.1 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो यही ये वो AV डिले है, जिसकी वजह से AV डिले की वजह से ही पहले एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं, फिर वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं, या पहले ऑरिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं, फिर वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं। सो AV नोड का जैसे AV डिले ऑफ 0.1 सेकेंड्स, ड्यू टू विच एट्रिया कंट्रैक्ट फर्स्ट एंड देन वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट, ठीक है। हाँ, चलिए, और जो AV नोड होता है, इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं पेस सेटर ऑफ हार्ट। SA नोड को बोलते हैं पेस मेकर, इसको बोलते हैं पेस सेटर ऑफ हार्ट, क्योंकि ये पेस को सेट करता है। SA नोड जनरेट करता है पेस, ये उसको सेट करता है, यानी कि आगे लेके जाता है, ठीक है। हाँ, अब चलिए इसके बाद क्या है, जस्ट अ सेकेंड, इसके बाद है तीसरा वाला राइट एंड लेफ्ट बंडल, इसको हम AV बंडल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, AV बंडल्स। AV बंडल्स आप याद रखें, राइट एंड लेफ्ट बंडल, फिर इसके ब्रांच निकलते हैं, ठीक है। तो AV बंडल जो आप यहां पे सीधे याद रखें, पहले AV बंडल्स ही, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप याद रखिए तीसरा जो नोडल फाइबर है, दैट इज AV बंडल। अब AV बंडल कहां पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, ठीक है ना।
हाँ, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या करता है, ये कनेक्ट करता है एट्रिया विद वेंट्रिकल्स, ठीक है ना। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया। यहां पे आपको पता है यहां पे होता है ट्राइकस्पिड वैल्यू, यहां पे होता है बाइकस्पिड वैल्यू। अब ये जो ये वाला सेप्टम है या यहां से ये वाला सेप्टम है, दिस इज कॉल्ड एज द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियोवेंट्रिकुलर यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने वाला सेप्टम, ठीक है ना, दिस एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो अब ये किसको कनेक्ट करता है, ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स को कनेक्ट करता है। जब यहां से कंट्रैक्शन आ गए, यहां से एक्शन पोटेंशियल आ गया, वो पहुंच गया एवी नोड में, एवी नोड से आगे जाता है तो फिर इन सेप्टास में गुजरता है। अब सेप्टास में यहां पे क्या है, यहां पे प्रेजेंट होते हैं एवी बंडल। अब इसको एवी बंडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में होता है, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद जो ये एवी बंडल होता है, ये उसके बाद पहुंचता है किसमें, इन दिस सेप्टम, यहां पे पहुंच जाता है। दिस इज कॉल्ड एज द इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। तो इसको आप बोल सकते हैं इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, ठीक है। तो जो ही ये एवी बंडल्स पहुंचते हैं इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम में, यहां पर ये डिवाइड होते हैं इंटू राइट बंडल एंड दिस इज लेफ्ट बंडल, ठीक है। तो पहले तो एवी बंडल कहां पे प्रेजेंट थे, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में, उसके बाद पहुंच गए इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, उसके बाद ये डिवाइड हो गए इनटू राइट बंडल एंड लेफ्ट बंडल। राइट बंडल चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट बंडल चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। हाँ, अब चलिए इसके बाद क्या हो जाता है, तो ये हो गया एवी बंडल। एवी बंडल ने कनेक्ट किया किसको, एट्रिया और वेंट्रिकल्स को, ठीक है। तो ये तो हो गए एवी बंडल्स। इसके बाद लास्ट पे हैं परकंजी फाइबर्स। परकंजी फाइबर्स क्या होते हैं, दरअसल जो ये राइट बंडल और लेफ्ट बंडल होता है, राइट बंडल यहां पे छोटे छोटे फाइबर्स निकालता है, डिवाइड होता है इनटू स्मॉल फाइबर्स एंड दीज फाइबर्स आर कॉल्ड परकंजी फाइबर्स। क्या बोलते हैं इनको, तो यहां से राइट बंडल बनाता है परकंजी फाइबर्स, यहां से लेफ्ट बंडल बनाता है परकंजी फाइबर्स। और ये राइट परकंजी फाइबर्स जो है ये पेनिट्रेट होते हैं डीप इनटू द मसल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स, यानी कि यहां से जो परकंजी फाइबर्स बनेंगे ये राइट वेंट्रिकल के मसल्स में पेनिट्रेट करेंगे, यहां से जो परकंजी फाइबर्स बनेंगे ये लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल्स में पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है। और ताकि पूरे सारे इन वेंट्रिकल्स में क्या पहुंच जाए, एक्शन पोटेंशियल पहुंच जाए, सब वेंट्रिकल्स भी कंट्रैक्ट करें, ठीक है। हाँ, अब याद रखिएगा जो परकंजी फाइबर्स हैं अलोंग विद एवी बंडल्स, दीज आर टुगेदर कॉल्ड एज द बंडल ऑफ हिस, दिस इज टुगेदर कॉल्ड एज द बंडल ऑफ हिस। याद रखिएगा जो यहां से राइट बंडल निकला प्लस परकंजी फाइबर्स, जो यहां से लेफ्ट बंडल निकला प्लस परकंजी फाइबर्स। तो राइट बंडल प्लस परकंजी फाइबर्स मेक अ बंडल ऑफ हिस, लेफ्ट बंडल प्लस परकंजी फाइबर मेक बंडल ऑफ हिस। एंड दिस बंडल ऑफ हिस वॉज डिस्कवर्ड बाय विलहम हिस, इसी वजह से इसका नाम है बंडल ऑफ हिस। तो आपने देखा कि कैसे ये सारे नोडल फाइबर जो हैं किस तरीके से डिफरेंट साइट्स में है हार्ट में, और किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जो ऐसे नोड से आता है वो किस तरीके से पूरे एट्रिया और वेंट्रिकल्स में पहुंचता है ताकि पूरा हार्ट कंट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। हाँ, अब कभी कभार क्या होता है कि जो ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड में कभी कभार इनएफिशिएंसी आ जाती है, उसको हम बोलते हैं सिक साइनस सिंड्रोम, ठीक है। और कभी कभार एवी नोड में इनएफिशिएंसी आ जाती है, उसको हम बोलते हैं एडम्स स्टोक्स सिंड्रोम। याद रखिएगा, और कभी कभार ऐसे नोड में इनएफिशिएंसी आ जाती है, उसको बोलते हैं सिक साइनस सिंड्रोम। एवी नोड में इनएफिशिएंसी, एडम स्टोक्स सिंड्रोम। और दोनों कंडीशंस में क्या होता है, अरे दोनों में या एक में इनएफिशिएंसी आ जाती है तो उस टाइम हम इस पर्सन को जिसमें इनएफिशिएंसी आती है ऐसे नोड में या एवी नोड में, उसको हम आर्टिफिशियल पेस मेकर देते हैं, आर्टिफिशियल पेस मेकर, ठीक है।
और ये आर्टिफिशियल पेसमेकर किसने इन्वेंट किया? दिस वॉज इन्वेंटेड बाई टू साइंटिस्ट्स, चार्लडॉक एंड ग्रेट बैक। याद रखिएगा, और कभी कभार ऐसे नोड या एवी नोड में इनएफिशिएंसी आ जाती है, इस पर्सन के चेस्ट में हम एक इक्विपमेंट डालते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर, और इट वाज इन्वेंटेड बाय चार्लडॉक एंड ग्रेट बैक। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे ये एसए नोड काम करता है, एवी नोड काम करता है। ये भी 72 टाइम्स बीट करवाता है हार्ट को, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें लगी हुई होती है लिथियम हैलाइड बैटरी, ठीक है। तो इस आर्टिफिशियल पेसमेकर में लगी हुई होती है लिथियम हैलाइड बैटरी, एंड दिस लिथियम हैलाइड बैटरी लास्ट्स फॉर 10 इयर्स, यानी कि इस बैटरी को 10 साल निकल जाते हैं, उसके बाद इसको रिप्लेस करना पड़ता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑटो रिदमिसिटी ऑफ द हार्ट, डिफरेंट नोडल फाइबर्स, एंड इफ द इनएफिशिएंसी इन द एसए नोड या एवी नोड इज कॉज्ड, देन वी यूज द आर्टिफिशियल पेसमेकर। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू वीडियो। टिल देन थैंक यू वेरी मच।